गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हैप्पी. स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी व्याकरण क्लास. ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है स्टूडेंट्स. तो आज हम इसमें आपका व्याकरण में चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं. क्या है आपका चैप्टर नंबर 11? विशेषण. विशेषण क्या होते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और मेरे साथ अच्छे से समझेंगे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं. कौन कहलाते हैं विशेषण? जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं उसकी, है ना, उसकी विशेषता बता रहे हैं, वही वर्ड्स हमारे विशेषण कहलाते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं. जैसे शुद्ध दूध, तो दूध हमारा क्या है? एक नाउन है, है ना, खाने की चीज़ है. तो ये खाने की चीज़ है दूध, तो उसकी क्या बता रहा है कि दूध कैसा है? दूध शुद्ध है. तो शुद्ध वर्ड हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इसमें विशेषण है, क्योंकि वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि दूध कैसा है, दूध शुद्ध है. देखिए, खट्टी इमली. इमली कैसी है स्टूडेंट्स? इमली खाने की चीज़ है. वो क्या बता रहा है इमली को? कि वो खट्टी है. तो खट्टी वर्ड इसमें क्या हो गया है हमारा? विशेषण हो गया है. जैसे लाल फूल, लाल कलर. फूल कैसा है? लाल कलर का है. तो वो फूल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि फूल कैसा है, लाल है. तो ये जो लाल वर्ड है हमारा फ्रेंड्स, यही हमारा विशेषण वर्ड्स हैं, है ना. क्या बता रहा है? विशेषता ही तो बता रहा है कि फूल किस कलर का है, फूल लाल कलर का है. नटखट बालक. तो बालक कैसा है? नटखट है. तो जो नटखट वर्ड है ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है. गरम चाय. चाय कैसी है? गरम है. तो गरम जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या है? विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है. आम कैसा है? मीठा है. तो मीठा आम. तो जो मीठा वर्ड है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है? ये हमारा है विशेषण, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं. हम किसी भी अगर नाउन की या प्रनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की कुछ विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वही वर्ड्स हमारे विशेषण कहलाते हैं. जैसे ये ब्लैक बोर्ड कैसा है? ये ब्लैक बोर्ड हरे कलर का है. तो जो हरा वर्ड्स है, ब्लैक बोर्ड एक चीज़ हो गई, नाउन हो गया, संज्ञा हो गई, और जो हरा वर्ड्स है, हरा वर्ड आपका जो हरा शब्द है वो क्या है? इसका विशेषण है, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि बोर्ड कैसा है, ब्लैक बोर्ड कैसा है, हरे कलर का है. तो जो हरा वर्ड्स है वो हमारा क्या हो गया फ्रेंड? वो हमारा हो गया विशेषण, है ना. लंबी पेंसिल. पेंसिल कैसी है? पेंसिल के बारे में बता रहा है. तो पेंसिल लंबी है. तो जो लंबी वर्ड्स है वो हमारा क्या हो गया है? विशेषण हो गया है. जैसे बड़ा कमरा. तो कमरे के बारे में बता रहा है, ये जगह के बारे में बता रहा है, क्योंकि जगह का नाम भी हमारा नाउन में आता है. तो जगह के बारे में क्या बता रहा है कि बड़ा कमरा. तो कमरा कैसा हो गया है? बड़ा है. तो बड़ा जो वर्ड है इसमें, जो बड़ा शब्द आया है, वही क्या है आपका? विशेषण होता है. तो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ उसमें, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. जैसे यह एक बड़ा घर है. सेकेंड एग्जाम्पल, यह किताब पुरानी है. मेरे पास चार
पेंसिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बड़ा घर है, तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड आपका विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, घर के बारे में बता रहा है। ये हमें घर के बारे में बता रहा है कि घर कैसा है, कि घर कैसा है, घर बड़ा है। तो आपका जो बड़ा जो वर्ड है वो आपका क्या है, विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है घर की। सेकंड एग्जांपल देखिए, यह किताब पुरानी है। तो इसमें ये किताब के बारे में बता रहा है ना कि किताब कैसी है, पुरानी है। तो जो पुरानी शब्द है वही आपका क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। ओके, पुरानी। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए, मेरे पास चार पेंसिलें हैं। मेरे पास कितनी पेंसिलें हैं, चार हैं। तो चार जो वर्ड है वो आपका क्या हो गया है, चार आपका वर्ड, चार आपका शब्द हो गया है, विशेषण। ओके, क्योंकि ये पेंसिल के बारे में बता रहा है कि पेंसिल कितनी है। तो जो पेंसिल की बता रहा है कि कितनी पेंसिल है, चार पेंसिल है। तो जो चार है वो आपका क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। ओके, चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि विशेषण शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इमारत के पास तीन वृक्ष लगे हैं। चार वृक्ष हैं। वह एक ईमानदार लड़की है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल, इमारत के पास तीन वृक्ष हैं, मतलब एक बिल्डिंग है उसके पास कितने वृक्ष हैं, तीन वृक्ष हैं। तो इसमें आपको सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, वृक्ष के बारे में, मतलब पेड़ के बारे में पता चल रहा है कि वो कितने हैं। तो कितने हैं वो स्टूडेंट्स, तीन है। तो तीन जो इसमें शब्द आया है वो क्या है, हमारा विशेषण है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, वृक्ष के बारे में बता रहा है हमें कि वहाँ कितने हैं, तीन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो तीन इसमें क्या है, हमारा विशेषण है। सेकंड देखिए, वह एक ईमानदार लड़की है। तो वो लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की कैसी है, ईमानदार है। तो जो ईमानदार वर्ड है आपका, ईमानदार शब्द है आपका, वो आपका है विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे फूल खिले हैं बाग में, सुंदर फूल खिले हैं। तो इसमें जो सुंदर वर्ड्स आया है, सुंदर जो शब्द आया है, वो क्या है आपका, विशेषण है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे खिले हैं, सुंदर खिले हैं। तो सुंदर वर्ड से आपका क्या हो गया है, सुंदर वर्ड से आपका हो गया है विशेषण, क्योंकि जो हमारे किसी सेंटेंस में या किसी बात में जो हम किसी की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में डिफाइन करते हैं जिस शब्द से,
तो वही शब्द हमारे कहलाते हैं विशेषण, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। और संज्ञा सर्वनाम आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, किसी व्यक्ति वस्तु और जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम बताया था आपको, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरी अच्छी मित्र है, तो वह मेरी अच्छी मित्र है, तो वह क्या है हमारा, क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं लिया, वह बोला है, तो वह वर्ड आपका क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, यह मेरा नया बस्ता है। तो ये जो बस्ता वर्ड है ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो आप जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वो क्या वर्ड हो रहे हैं, वो आपके हो रहे हैं विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपकी वीडियो ही कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।